बातें, आपका वक्त हो चला है ग्राउंड जीरो का। ग्राउंड जीरो में आज बात एमपी में कोचिंग सेंटर में बड़ी कार्रवाई की करेंगे, जिसमें कोचिंग सेंटर के संचालकों में भागम भाग जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के शराब दुकानों की बात करेंगे, जिसने स्थानीय लोगों को परेशान कर रखा है। लोग शराब की दुकान को रिहायशी इलाके से हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे। आशीष जैन दमोह से जुड़ गए हैं, तो वहीं श्रवण महंत हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। पर सबसे पहले विस्तार से आपको खबर बताते हैं, अंबिकापुर चलते हैं, अंबिकापुर का जिक्र करते हैं, जहां शराब की दुकान ने स्थानीय लोगों की जिंदगी को नर्क में धकेल दिया है। रिहायशी इलाके में दुकान रहने की वजह से यहां बदमाशों का अड्डा बन चुका है। लोग अधिकारी से लेकर मंत्री तक से फरियाद लगा चुके हैं शराब की दुकान हटाने के लिए, लेकिन क्या जरूरत जो कोई अधिकारी या नेता इस ओर देखे, ऐसी कोई जरूरत नहीं की। सालों से मांग चल रही है गंगापुर शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान को वार्ड से हटाया जाए, लेकिन मांग सिर्फ मांग ही रह गई है। दुकान से हम लोग भी परेशान हैं, आने जाने में काम करने जाते हैं तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग को, आते जाते रहते हैं तो बाइक को सटा के एकदम चलाते हैं, तो हम कभी दुकान में जाते हैं तो 8 बजे 8:30 बजे छुट्टी करते हैं, 9-10 बज जाता है, तो परेशानी तो होता है। देखिए पिछले 6-7 साल 8 साल हो गया है, पिछले 7-8 साल से शराब दुकान यहाँ पे खुला हुआ है, और इस 7-8 साल में काफ़ी परेशानी का सामना किए हुए हैं हम लोग। पूरा मोहल्ला वाले बंद कराने के लिए भी बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि 1 तारीख को दारू भट्टी यहाँ से हट जाएगा, तो पूरा मोहल्ला में अच्छा खुश हो गया था पूरा मोहल्ला, लेकिन 1 तारीख गंगापुर वार्ड क्रमांक 47 के वार्डवासी अंग्रेजी शराब दुकान खुलने से परेशान हैं। शराब दुकान रिहायशी क्षेत्र में खोला गया है, और यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सालों से परेशान हैं। हम बात करते हैं कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस शराब दुकान की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो इतना भी कर रहे हैं लेकिन कुछ तो नहीं होता है, सुनवाई नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। जान रहे हैं हम लोग का गंगापुर ना बस्ती हम लोग का नरक हो गया है। यहाँ से निकलते तक हम लोग का रोड में निकलने का कोई वो नहीं है, जीने का हक ही नहीं है, ऐसे टाइप के हो गया है, नरक करके रख दिए हैं। अब क्या बोलूँ किसी के ऊपर, हाँ किसी के ऊपर, यहाँ खोल खोल बाथरूम करने लगते हैं। अब क्या कहूँ, मंदिर है, भागिए भागिए करते रहती हूँ, मंदिर में घुस जाएंगे पी के, का करूँ सूझ जाते हैं। हाँ सही बात है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ जो हम लोग के साथ घटना घट रहा है, देखिए ना, लड़की आ रही थी, अभी 15 दिन हो रहा है, 15 ही दिन ना हो कहता ही हो, 15 दिन हो रहा है, उस लड़की पर हाथ रख दिए, एकदम धरिए दिए, और वो लड़की गई है वहाँ तक, मारा पीटा हुआ, लेकिन उस बात को आगे नहीं बढ़ने दीजिए। समस्या तो बहुत है, आज से नहीं जब से खुला है तब से, और विरोध भी करते हैं, तालाबंदी भी किए, सब कुछ करने के बावजूद भी सिर्फ हमको आश्वासन ही मिलता है। शराब पी से, शराब दुकान से ही परेशानी है। हम लोग बंद नहीं बोल रहे हैं, हटने के लिए बोल रहे हैं, कि मोहल्ले के बीच से जो जाते हैं वही परेशानी है। मतलब मोहल्ले के बाहर कहीं भी रहे तो बाहर के लोग आते जाते हैं मोहल्ले से, वही दिक्कत है। दारू, अब वो दारू दुकान कहीं भी खुल सकता है, ये मोहल्ले के बीच से जो जाना आना बाहर के लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग, अब दारू भट्टी है, कई प्रकार के लोग कहीं से भी आते हैं, तो हमारे यहाँ बहू बेटियों को निकलना दुश्वार हो गया है। तो ये स्थिति आपने देखी किस तरह से यहाँ पर शराबियों का अड्डा बन चुका है रिहायशी इलाका, महिलाएं परेशान हो रही हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद इसको भी ध्यान में नहीं रखा गया जिम्मेदारों के द्वारा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, तो बहुत बड़ी बात है कि रिहायशी इलाके में शराबियों ने अड्डा बना दिया है और दिन भर रात भर यहीं पड़े रहते हैं, शराब की दुकान पर तरह तरह के शराबी आते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं को कितनी परेशानी होगी, इसकी सुध कोई लेने को तैयार नहीं, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? देखिए मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और ये वही इलाका है गंगापुर का जहाँ शराब दुकान संचालित हो रहा है, और ये आसी इलाके की जो महिला हैं उनका जीवन जब से खुला है तब से बद से बदतर हो गया है। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी पीड़ा क्या है, किस तरह का पीड़ा में आप लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा पीड़ा है, हम लोग बता नहीं सकते कि कहूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, हम लोग को बहुत ज्यादा है। हम सच्चाई बोल रहे हैं कि हम लोग का जिंदगी नरक हो गया है। जब जब आश्वासन देते हैं ना तो बहुत विश्वास के साथ जीते हैं कि चलो अब इतना दिन अगर झेलेंगे तो हम लोग के कुछ रास्ता मिलेगा, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। हाँ अभी आप लोग मांग कब से कर रहे हो, क्या चाहते क्या है आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से दारू भट्टी हट जाए, बस दूसरे भी कहीं भी ले जाएं,
हम लोग बंद नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ से हट जाए। हम लोग का निकलना घुसना बहू बेटी के सब के आजकल पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग के चल रहा है, इतना मतलब तड़प हो गया है कि क्या बताऊं, बच्चे लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लड़कियां लोग कॉलेज जाते हैं, अगर भीड़ लग जाता है तो इधर के इधर ही खड़े रह जाते हैं, टाइम अगर ओवर हो जाता है तो वापस आ जाते हैं, लेकिन उन लोग पार नहीं हो सकते। हाँ, कंधे पर हाथ धर देते हैं, जैसे पाते हैं वैसे रगड़ने लगते हैं बाइक से गाड़ी से, तो हम लोग एकदम जीना मतलब मुश्किल हो गया है, इससे आगे का बोलूं। तो ये देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उनकी पीड़ा को देखिए और समझिए कि ये जो वार्डवासी हैं गंगापुर का वो कितना परेशान हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, परेशानी तो हो रहा है, कहाँ कहाँ फरियाद लगाया हटाने को लेकर के। मैं कलेक्टर सर के पास भी गई थी और आबकारी अधिकारी के पास भी और ये आपके विधायक जी के पास भी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि शराब दुकान हट जाएगा, लेकिन आज तक हटा नहीं है। और कहीं भी जाते हैं सिर्फ हमको आश्वासन ही मिलता है। चाहते क्या है आप लोग और समस्या क्या क्या होता है? समस्या तो यहाँ शराब पी के डेली गाली गलौज मार पीट आपस में करते रहते हैं, शराब पी के बोतल घर के मतलब बाउंड्री के अंदर फेंक देंगे, चिकना खा के दरवाजे पे छोड़ देते हैं, मतलब बहुत ही बद से बदतर जीवन है यहाँ पर का। तो आप देखिए किस तरह से बद से बदतर ये जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को? कुछ नहीं होता है, यही होता है यहाँ पर ही कि शराब दुकान हम लोग को हट जाए, बाकी हम लोग की कोई हम लोग से मतलब नहीं है। ये नहीं है कि शराब दुकानें यहाँ रहे, बाहर भीतर निकलने के लिए हम लोग को बहुत मुसीबत है, लड़का लड़की बेटा बेटी को बाहर निकलना मुश्किल है, बाकी कुछ हम लोग का वो नहीं है दिक्कत, बस वही है कि शराब दुकान कहीं आउट यहाँ ले जाए। वो तो बोले थे कि हम लोग शराब दुकान को मतलब हटवा देंगे, कहीं आउट यहाँ बन रहा है, मगर हम लोग इंतजार करते रह गए कि अब हटेगा अब हटेगा, अभी तक भी नहीं हटा। हम क्या प्रयास किए हैं आप लोग हटाने के लिए? पर शायद इनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है और ऐसा लगता नहीं कि जिम्मेदार इस पर ध्यान भी देंगे, क्योंकि आउटर से हटा करके शहरों में शिफ्ट करने की बात कही गई थी। पर शहरों में शिफ्ट करने की बात तो ठीक है, पर ये रिहायशी इलाके में जहां पर लोग रहते हैं बच्चे रहते हैं वहां पर ही ऐसी दुकानें खोल दी गई हैं, तो क्या प्रभाव बच्चों पर महिलाओं पर पड़ेगा, ये तो सोचने वाली बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दमोह में भी कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है, यहां के हाल भी बुरे ही हैं, कई जगह क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है तो कहीं वेंटिलेशन तक नहीं है। जांच करने पहुंचे एसडीएम को ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी, छोटी सी जगह में कई छात्रों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा था और निकासी के लिए भी कोई जगह नहीं थी। सोचिए छोटी सी भी गलती हुई और कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। आपको ऐसा नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरा ऑक्सीजन लेने में मुझे दिक्कत आ रही है। नहीं ऑप्शन नहीं यार, लेकिन जिंदगी पहले है ना। कलेक्टर सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया है जिसमें से मैं हूं और एसडीओ पीडब्ल्यूडी हैं, हमारे हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सर हैं और आपके सीएमओ हैं, तहसीलदार हैं, ये सभी लोग मिलकर के हम कोचिंग क्लासेस या लाइब्रेरी जो चल रही हैं यहाँ पर उनका मुआयना कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि यदि कहीं पे ऐसी स्थिति है कि ये पर्याप्त सुविधाएं नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका निराकरण करेंगे और जल्दी ही करेंगे। प्रारंभिक स्टेज पे देख रहे हैं, जैसा आपके सामने ही मैंने देखा, एग्जिट जो है वो नहीं है, बहुत है पैकिंग बहुत है, अंदर सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पूरी तरह उन्होंने पैक कर रखा है और शायद मैंने इनसे परमिशन मांगी है तो परमिशन भी नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, तो ये नगर पालिका और एसडीओ पीडब्ल्यूडी को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें। दमोह जिला मुख्यालय का यह वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हैं और यह कोचिंग सेंटर्स यहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अमूमन यहां पर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और 10वीं 11वीं पढ़ने वाले बच्चे आते हैं और वो यहां पर कोचिंग लेते हैं। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में लाइब्रेरी भी है जहां पर बैठकर के बच्चे पढ़ते हैं। कल प्रशासन के द्वारा यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन के द्वारा यहां पर कार्रवाई की बात भी कही गई है, क्योंकि जब एसडीएम सहित अन्य अधिकारी यहां पर पहुंचे थे तो उन लोगों ने देखा था कि यहां पर सफोकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहां पर तीन तीन मंजिलों में यहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस तरह की कार्रवाई की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है। एसडीएम के साथ अन्य अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे, उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है।
तो लगातार देश के अन्य अन्य शहरों में हुई घटनाओं के मामले को लेकर के कलेक्टर के निर्देश के बाद यहाँ पर कार्रवाई की बात कही गई है, जांच की गई है। अब देखना यह होगा कि कोचिंग सेंटर जो बिना अनुमति के संचालित हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई आगामी दिनों में होती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरह से बदहाल स्थिति बनी हुई है कोचिंग सेंटर्स की, किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ आशीष जैन जुड़ गए हैं। आशीष, बात वही है कि बड़ा कोई हादसा होता है तभी जाकर के प्रशासन जागता है और फिर जाकर के थोड़ा बहुत निरीक्षण होता है, फिर वही ठंडे बस्ते में मामला चला जाता है। दिल्ली में हादसा हुआ, अब कोचिंग सेंटर्स पे पहुंचे निरीक्षण करने के लिए एसडीएम साहब, सांस फूलने लगी, देखा कि वेंटिलेशन तक नहीं है। ऐसी कई सारी जगह होगी, कई सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे जहां पर ऐसी ही स्थिति बनी होगी, क्या वहां पर भी टीम जाएगी, क्या वहां पर भी चेकिंग होगी? निश्चित रूप से मैं आपको बताने जाऊंगा, मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, मेरे पीछे कोचिंग सेंटर है जहां पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चों के अभिभावक भी हैं और स्वयं वो बच्चे भी हैं, वो छात्र भी हैं जो इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं। मैं एक अभिभावक से जान लेता हूं किस तरह की परेशानी इन कोचिंग सेंटर्स में है, क्या कुछ परेशानी है। कल प्रशासन ने कार्रवाई की है और कहा है कि बच्चे परेशान है, यहां पर वेंटिलेशन की समस्या है, अनेक अनेक तरह की समस्या। आपका क्या सोचना है? मेरा मानना यह है कि प्रशासन तो अपनी दृष्टि से जो छानबीन और जो कमियां उजागर कर रहा है तो वो अच्छी बात है और कोचिंग संचालक इसका ध्यान रखें, लेकिन सबसे जो अभिभावक के तौर पे या फिर किसी भी छात्र की सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, हम अपने शहर की बात करें, तो अधिकतर छात्र नाबालिग होते हैं, 18 की उम्र के नीचे के होते हैं, तो जो मोटरसाइकिल स्कूटर छात्र छात्राओं की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मान वो अपने लिए मानते हैं कि हमको स्कूटर मोटरसाइकिल ये मिल जाए, तो छात्र छात्राओं को प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से नाबालिग बच्चों के हिसाब से स्कूल संचालक कोचिंग संचालक इनको सख्ती से आदेश दें कि आप अपने प्रीमिसेस में किसी भी छात्र छात्राओं को मोटरसाइकिल के कोचिंग सेंटर में जो परेशानियां प्रशासन ने गिनाई हैं अन्य शहरों में जो मामला हुआ है उसको लेकर के क्या कहना? वो प्रशासन दृष्टि से अगर अपनी कमियां उजागर कर रहे हैं और कोई घटना अगर हुई है किसी घटित, तो उसके हिसाब से जो है वो स्कूल संचालकों को और कोचिंग संचालकों को विशेष तौर पे और इसका ध्यान रखना चाहिए और छात्र छात्राओं को इस दृष्टि से रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से शासन के नियमों के पार ना जाके अपनी सुरक्षा की दृष्टि का ध्यान रखें। कुछ स्टूडेंट भी हमारे पास है, क्या कहना है? कोचिंग सेंटर पर कल कार्रवाई हुई, क्या मानते हैं आप उसको लेकर? सर, हम लोगों को ऐसी कोई खास तकलीफ तो नहीं है, जो ठीक है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो है परेशानी जस की तस बनी हुई है, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से रिहायशी इलाके में शराबियों ने अड्डा बना दिया है, तो दूसरी तस्वीर आपने देखी कि कोचिंग क्लासेस में कैसे हालात हैं, कैसे वेंटिलेशन तक की व्यवस्था नहीं है, बेसमेंट में बनाए हुए हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।